महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा है ना, उसके बाद मेरा वीजा आ जाएगा और मैं कनाडा पहुंच जाऊंगी। यार अगर इतना ही सिंपल होता तो हर कोई कोचिंग लेके ना पास हो जाता। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है ना, किसी भी फेमस ट्यूटर से या जो भी आपको यूट्यूब पे पसंद है उनसे कोचिंग ले ली, चाहे वो सोनम संधू हो, चाहे वो आयल्स लिज हो, चाहे वो ई2 आयल्स वाले हो, चाहे कोई भी हो है ना। सो आपको लगता है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर ली, ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बस अब इनको ज्वाइन कर लिया तो मेरा रिजल्ट पक्का आ जाएगा। अब मैंने पैसे भर दिए कोचिंग के तो पक्का रिजल्ट आ ही जाना है 2 महीने बाद। या फिर अब मैंने क्या करा है कि मैं रोज कोचिंग में जाने भी लग गई हूँ, मैं तो एक भी दिन नहीं मिस करती, मैं रोज रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग करती हूँ, मेरा रिजल्ट तो पक्का है अब 2 महीने बाद। 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा है ना, उसके बाद मेरा वीजा आ जाएगा और मैं कनाडा पहुंच जाऊंगी। यार अगर इतना ही सिंपल होता तो हर कोई कोचिंग लेके ना पास हो जाता। ऐसा नहीं है। आप एक चीज को ध्यान से समझो यार, कोचिंग इज अ रूट, कहते हैं ना एक पाथवे है। अगर आप आइल्स मेड इजी ज्वाइन करते हो है ना, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली और अब आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन कर ली अब तो पक्का रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स से आप 1 आवर वाला बैच ले रहे हो, पर्सनल क्लास ले रहे हो और आप किसी 2 मॉड्यूल्स में बहुत ज्यादा वीक हो, रीडिंग एंड राइटिंग में। अब वो जो कोचिंग आप लेने लग गए तो 1 आवर तो आपने हमें डिवोट करा रोज, एक सेट करिकुलम है जो हम फॉलो करेंगे, रेगुलरली हम मिलेंगे, आपको सब कुछ बताया जाएगा, अब आपने ऐसे करना है वैसे करना है। सो वो टाइम तो आपने 1 घंटे का निकाल लिया, बट उस टाइम के अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि 9 से 6 आप वर्किंग हो, सुबह आपने जो मैरिड है उनके लिए सुबह उन्होंने उठना है, घर का खाना बनाना है ना, बच्चों को रेडी करना है, इवनिंग में दोबारा से डिनर की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका भी यही शेड्यूल है तो आयल्स का स्कोर लाना भूल जाओ, अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि आयल्स आप क्लियर कर पाओगे। यार जब मैं एग्जाम देती हूँ ना, 1 मंथ का टाइम मैं डेडिकेटेडली देती हूँ, डेडिकेटेडली इन द सेंस मैं सब कुछ भूल नहीं पाती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि सारा काम चल रहा होता है, शूट करनी होती है वो मैं करती हूँ, क्लासेस जो है वो मैंने लेनी होती है, ठीक है, उसके अलावा जो भी टीचर्स ट्रेनिंग एक्सपाइजी जितने भी काम है वो सारे मैंने करने हैं। बट कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है मॉर्निंग के लिए, आई स्पेशली हायर समवन कि कोई हेल्प कर दे। आप या तो घर में रोटी बना सकते हो या झाड़ू पोछा कर सकते हो या फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जब वो 2 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रायोरिटाइज करो ना किसी चीज को। मेरे हस्बैंड हमेशा एक चीज बोलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड कौन है आपको पता ही है, रविंदर संधू सर। सो वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि यार सोनम, इफ यू वांट टू डू समथिंग ना, उसे प्रायोरिटी पे ले गया, इज इट ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट? सो आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन, इज इट माई प्रायोरिटी? इफ द आंसर इज येस, आई नो आई डू इट द वे आई वॉन्ट। सो जब मेरा ये अभी लास्ट जो अटेम्प्ट था, मुझे पता है वो 1 मंथ दिया था, बट मैं घर के काम एक्चुअली नहीं कर रही थी, आई हैड हेल्प, और अभी भी नहीं, ऑब्वियसली अभी भी वर्किंग शेड्यूल या नहीं करते, बट आप क्या किस चीज में एक्सेल करना चाहते हो उसे लाइफ में प्रायोरिटी दो। खाली आप नहीं जाना चाहते कनाडा, आपके हस्बैंड भी जाना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत सारी वाइफ्स ऐसी हैं यहाँ पे जिन्होंने एग्जाम देना है और वो स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे और उनके हस्बैंड स्पाउस वीजा पे जाएंगे, सो वो भी उतना ही रोल क्यों नहीं प्ले कर सकते? Why can't he cook that time? Why can't he will help you in getting the kids ready for school? He should if he is not. So ये एक दोनों का रोल है, इट इज लाइक कि दोनों ने मिलके करना है अचीव। अगर आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हो और वो नहीं दे रहे तो उन्हें पता है he'll not be able to clear और आप कर पाओगे, इसलिए आप दे रहे हो ना। तो अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करते हो तो उन्हें बोलो कि ये 2 महीने जब मैं तैयारी कर रही हूँ तो आप इन सारी चीजों को प्रायोरिटी पे रखो। हायर समवन, हेल्प रखो एक्स्ट्रा। हर एक काम अगर आप करते रहोगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कोचिंग की। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी हमने कोई गोल बनाया है, वो गोल को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो अगर आप 1 मंथ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। आपको कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको वो 2 महीने, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फैंसी खाना खाना है, आप कुछ सिंपल खा सकते हो, जरूरी नहीं है। वो 2 महीने कॉम्प्रोमाइज तो करो, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वो 2 महीने डेडिकेटेडली आइल्स को दो, सुबह जल्दी उठो, आइल्स की प्रिपरेशन करो, रात को थोड़ा सा लेट सो, आस्क समबडी टू टेक केयर ऑफ योर किड, आस्क योर हस्बैंड टू प्ले विद योर किड, आस्क योर हस्बैंड टू
गेट हिज और हर होमवर्क डन। सो जो भी आइल्स का एग्जाम दे रहा है उसका पार्टनर दूसरा काम करे, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आस्क योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ द अदर चोर्स एंड यू सिंपली फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ आइल्स एग्जाम ओनली। ये कोई इतना लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है जिसमें 1.5 साल 2 साल लगने हैं, खाली 2 महीने डेडिकेटेडली दोगे रिजल्ट आ जाएगा। सो काइंडली फॉलो दिस, ठीक है। नाउ कोचिंग की हम बात करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर ली और लगने लग गया कि रिजल्ट पक्का आ जाएगा, आप गलत सोच रहे हो। ये मैं आपको अभी रिसेंट वाला एग्जाम्पल दे देती हूँ, जो मेरा बैच कोर्स चल रहा है उसमें 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल करा था, ठीक है। और जो इवैल्यूएशंस होती है, इवैल्यूएशंस जो फर्स्ट वीक में इवैल्यूएशंस आई हमारे पास, राइटिंग टास्क 2 और 1 आए, वो खाली 50 स्टूडेंट्स के आए फर्स्ट वीक में जब कोर्स स्टार्ट ही हुआ है। सेकेंड वीक में खाली 40 स्टूडेंट्स ने इवैल्यूएशन के लिए सबमिशंस करे, थर्ड वीक में 30 हो गया और फोर्थ वीक में 20। सो पॉइंट इज, आप सोचो खाली कोचिंग से अगर होना हो तो नहीं होगा। हम फोकस कर रहे हैं, हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हम आपको मेथड सिखा रहे हैं, टेक्निक्स बता रहे हैं, स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, बट क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उन्हें? सो ये एक रोल है जो आपने प्ले करना है। देखो आप समझो, इट्स लाइक अ गूगल मैप। अगर आप IME ज्वाइन करते हो, IELTS में DC ज्वाइन करते हो, या फिर सोनम संधु है ना हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो मैं आपके लिए गूगल मैप हूँ, कनाडा पहुंचाने के लिए एक रास्ता दिखा रही हूँ मैं आपको, पाथवे है ये, मैं आपको वहां पे पहुंचा नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। सो आई विल नॉट हेल्प यू इन टेलीपोर्टिंग, आई कैन ओनली हेल्प यू इन शोइंग द पाथ। आई एम योर मैप ओनली, सो आई कैन गाइड यू, आई कैन शो यू द राइट पाथ, वी कैन ट्रेन यू, वी कैन गिव यू द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, बट कोशिश आपने ही करनी है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो और आप 2 घंटे 2.5 घंटे रोज मिनिमम नहीं निकाल सकते तो मत ज्वाइन करो, कोई फायदा नहीं है उसका। गिव योर 100%। खाली टीचर कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो सोनम संधू हो, चाहे वो E2 वाले हो, चाहे IELTS एडवांटेज हो, कोई भी हो, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। प्रैक्टिस का रोल 65% है, एक किसी भी टीचर का रोल खाली 35% होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा, और मुझे इतनी उम्मीद है कि अब आप खाली कोचिंग पे, खाली टीचर्स पे रिलाय नहीं करोगे, आप खुद भी प्रिपरेशन करोगे। जितना भी टाइम कोचिंग सेंटर में दे रहे हो, एटलीस्ट अगर 1 आवर आप दे रहे हो तो 2.5 आवर्स खुद के निकालो। अगर 2 आवर्स दे रहे हो तो एटलीस्ट 4 आवर्स निकालो। टेक आउट टाइम फॉर द प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन द असेसमेंट ऑफ वीक मॉड्यूल्स, यू विल डेफिनेटली एक्सेल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड यू कैन सिंपली व्हाट्सएप अस फॉर द क्लासेस।